स्नैपचैट का नाम तो हम सभी ने ज़रूर सुना है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो स्पोर्ट्स के टॉप एथलीट्स हैं, वो सभी यहाँ पर स्नैपचैट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम पर उनके बायो चेक करें तो वो हमेशा एक चीज़ वहाँ पर लिख के रखते हैं, फॉलो मी ऑन स्नैपचैट। अब ऐसा क्या फीचर है जो यहाँ पर सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर जो स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं वो सभी यहाँ पे स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी वजह से स्नैपचैट इतना फेमस है? अगर आपका कोई फ्रेंड स्नैपचैट यूज करता है तो अगर आप उससे जाके पूछेंगे कि भाई तुझे स्नैपचैट क्यों पसंद है, तो हमेशा एक बात जरूर बोलेगा कि भाई स्नैपचैट में इतने सारे फिल्टर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मुझे यहाँ पर स्नैपचैट पसंद है। अब ऐसा नहीं कि स्नैपचैट सिर्फ एक फिल्टर्स का ऐप है, स्नैपचैट में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे आप लोग वहाँ पे स्टोरीज डाल सकते हैं, वहाँ पे आप लोग फोटोज वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे साथ ही आप लोग वहाँ पे अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं, चैटिंग वगैरह कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्नैपचैट का सबसे ज्यादा जो पॉपुलर फीचर है वो है स्नैपचैट के फिल्टर्स। यहाँ पे स्नैपचैट में आपको ढेरों फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि सारे एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक में तो इतने फिल्टर्स नहीं होते, बट इंस्टाग्राम में फिल्टर्स होते हैं, उनसे काफी ज्यादा यूनिक फिल्टर्स यहाँ पे आप लोगों को स्नैपचैट में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, स्नैपचैट सिर्फ फिल्टर्स का नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बार-बार आपको फिल्टर्स बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे हो क्या एक फिल्टर ऐप है? नहीं, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो रही है, बहुत सारे इसको यंगस्टर फीमेल्स ज़्यादातर इसे यूज़ कर रही हैं क्योंकि ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग स्नैपचैट को बिल्कुल शुरुआत से चलाना सीख सकते हैं, यानी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से एंड तक पूरी चीज़ें जितनी भी स्नैपचैट में होती हैं, स्नैपचैट के बारे में आपको पूरी डिटेल्स फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते कि नहीं यार मेरे को स्नैपचैट बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स स्नैपचैट यूज करते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप स्नैपचैट के मास्टर बन सकते हैं। सो मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं मनीश्वरी यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज किस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग स्नैपचैट ऐप को चलाना सीख सकते हैं या हाउ टू यूज स्नैपचैट ऐप। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्ले स्टोर से स्नैपचैट को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्नैपचैट को ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है और ऑल्सो इंस्टॉल भी कर रखा है। आप लोगों को डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में जाएंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद इसे हमें सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना होगा। अब ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें सबसे पहले स्नैपचैट में अकाउंट बनाना है। अगर हमें स्नैपचैट में अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, और अगर हमारे पास स्नैपचैट अकाउंट ऑलरेडी पहले से होता है तो लॉगिन करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे हमारे पास अभी कोई स्नैपचैट अकाउंट नहीं है, हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे कैसे स्नैपचैट अकाउंट बनाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम लिखना है, यानी कि आपका फर्स्ट नेम जो आपका रियल नेम है और उसके बाद आपका जो लास्ट नेम जो आप लोग अपना सरनेम लगाते हैं। मैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम इंटर कर देता हूँ। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे हमें साइन अप एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, जो कि हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोग रैंडमली अपने हिसाब से, मतलब जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है आप उसे सिलेक्ट करें। मैं यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ जो रैंडमली हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें डिफॉल्ट यूज़र नेम सामने आएगा। तो अगर आप लोग चाहते कि नहीं मेरे को ये यूज़र नेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और यूजर नेम रखना है, तो चेंज माय यूजर नेम पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोग जो भी यूजर नेम चाहते हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि ये बता रहा है मनीष दुबे इज ऑलरेडी टेकन, यहां पे रेड कलर में आपको दिखा रहा है, मतलब ये यूजर नेम किसी और ने ले रखा है तो मैं इसे नहीं ले सकता, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा। यहां पे मैं कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे यहां पे सजेस्टेड आए हुए हैं। सजेस्टेड में आप देख सकते हैं कि यहां पे जो भी आपको बेटर लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहां पे सजेस्टेड में आपको मिल जाएंगे। यहां पे बता रहा है आप यूजर नेम अवेलेबल, अगर आप ये भी नहीं चाहते तो अपने हिसाब से रैंडमली देख सकते हैं और जो अवेलेबल हो उसे आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पे हमें अपने जो पासवर्ड है, जो हम स्नैपचैट के पासवर्ड रखना चाहते हैं, उसे यहां पे इंटर करना होगा। तो यहां पर मैंने अपने अकाउंट के पासवर्ड इंटर कर दिए हैं। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो भी आप पासवर्ड रखें वो 8 अंक से ज्यादा, यानी 8 डिजिट से ज्यादा आपके पासवर्ड होने चाहिए, 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, तभी यहां पे आप लोग अपना पासवर्ड यहां पे सिलेक्ट कर पाएंगे, वरना आप कंटिन्यू नहीं
नहीं करवाएंगे, नेक्स्ट पेज पे नहीं जा पाएंगे। तो 8 अंक यानी 8 कैरेक्टर के यहाँ पे आपके पासवर्ड होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। पहले यहाँ पे लोडिंग होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, जो जिससे भी आप लोग अपना स्नैपचैट अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। पर मैंने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया है, आप लोगों को भी इंटर करना है ये वाली स्टेप में। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे जो मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक कोड आएगा, जो कि OTP होता है, 1 टाइम पासवर्ड, हमें उसे यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने इंटर कर दिया है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फाइंड योर फ्रेंड्स का ऑप्शन आएगा, अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपके जो फाइंड फ्रेंड्स में जो भी ऑप्शन आ जाएंगे, तो करेंटली हम लोग इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। ठीक है, स्किप करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्नैपचैट का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा स्नैपचैट अकाउंट रेडी है। अब मैं आपको स्नैपचैट की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए जानते हैं हम लोग स्नैपचैट के अकाउंट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोफाइल वाले आइकन पे। जैसा मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, ये वाला यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेटिंग में जाने के लिए रेड आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को, ऐसा सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ से नेम वगैरह चेंज करना है, जो कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जब अकाउंट बनाया था वो कुछ गलत वगैरह एंटर कर दिया था, या फिर मैं अपडेट करना चाहता हूं, सिर्फ मेरा सिंगल नेम रखना चाहता हूं, यहां से आप सेव कर सकते हैं इसको ऐसे करके। यहां पे आपका जो है वो नेम सेव हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे आप लोग यूजर नेम को अपडेट नहीं कर सकते हैं। जब आप अगर एक बार अकाउंट डिलीट करेंगे उसके बाद ही यहां पे आप नया यूजर नेम रख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी यूजर नेम रख लिया है तो वो आपका फिर परमानेंट यूजर नेम हो जाता है। अभी करेंटली तो ऐसा स्नैपचैट का ही फीचर है। उसके बाद यहां पे बर्थ डेट अगर आपको यहां से चेंज वगैरह करनी है आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैंने अकाउंट बनाया था कुछ गलत एंटर कर दिया था या मुझे कुछ अपडेट करनी है मेरी बर्थ डेट, तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहां पे देख लेते हैं, यहां पे ईमेल का आ जाता है। तो यहां पे हमने अगर अकाउंट बनाते समय ईमेल ऐड नहीं करी थी तो आप लोग यहां पे उसके बाद ईमेल ऐड कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी ईमेल हो। तो यहां पे आप लोग एंटर करके उसे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहां पे ईमेल अपनी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहां से बैक करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पासवर्ड वाले ऑप्शन पे। पासवर्ड यहां से अगर आपको अपडेट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये सारी चीजें हैं। लैंग्वेजेस वगैरह यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग यहां से अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, यहां से अगर आपको लगता है नहीं मुझे दूसरी लैंग्वेज यूज करनी है, काफी लोग हिंदी को पसंद करते हैं, तो हिंदी वगैरह यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहां पे हिंदी का ऑप्शन देखने को हमें मिल जाता है। बाकी सारी लैंग्वेजेस यहां पे मराठी गुजराती सारी लैंग्वेजेस यहां पे अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में स्नैपचैट को यूज करना चाहते हो सारी लैंग्वेजेस आपको मिल जाएगी। आपको जस्ट सिलेक्ट करना है उस लैंग्वेज से हमें यहां पे स्नैपचैट को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग, यहां पे और भी बेसिक सेटिंग है जो कि काफी इतनी खास नहीं है, बट जो थोड़ी सी बेसिक सेटिंग थी मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेसी में आएंगे तो आप कुछ कन्वर्सेशन क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अगर आप सर्च हिस्ट्री अपनी क्लियर करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, आपकी सर्च हिस्ट्री यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप लोग परमिशन देख सकते हैं, आपने किस किस की परमिशन दी हुई है, यानी ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये सारे नॉर्मल से ऑप्शन है, आई नीड हेल्प वगैरह, ये बेसिक से ऑप्शन है जो इतने खास आपको काम नहीं आने वाले। तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने स्नैपचैट की सेटिंग सीख ली जो कि बेसिक सेटिंग्स थी, अब हम लोग जानेंगे यार हम लोग स्नैपचैट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग प्रोफाइल वगैरह अगर ऐसा कोई वर्ड ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये स्नैपचैट की थोड़ी सी अलग लैंग्वेज होती है, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रिएट माई बिटमोजी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आप स्वयं की या अपने खुद की प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे उन लोगों को ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो क्रिएट बिटमोजी वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अपने स्नैपचैट में कैसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सेट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्रिएट माय बिटमोजी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग मेल फीमेल जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं या फिर जो भी हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मेल करता हूँ और यहाँ पे ये अपना फेस वगैरह सेंटर में आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अभी मैं फेस वगैरह ऐड नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से स्किप कर दूंगा। अब यहाँ से मेरे को बहुत सारे ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं
हैं। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि आपका फेस किससे मिल रहा है। अगर आप लोग कैमरे का सहारा लेंगे तो आपको यहाँ से सजेस्टेड में आ जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से डिफरेंट ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। तो यहाँ से आप लोग हेयर कलर को देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से हेयर कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे हेयर कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा हेयर कलर ब्लैक है तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग हेयर स्टाइल पे आ जाते हैं। ये हेयर स्टाइल है आपको कैसी रखनी है, आपकी कैसी हेयर स्टाइल है, तो मैं इस टाइप की रखता हूँ कुछ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में हेयर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो भाई मेरे नॉर्मल हेयर्स हैं इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपको बियर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, तो मैं बियर्ड नहीं रखता, मैं इसको रहने देता हूँ ये वाला ऑप्शन। आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि बियर्ड कोई सी अच्छी लग रही है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन में आ जाते हैं फेशियल हेयर कलर है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद आइस में आ जाते हैं, आपकी आइस किस टाइप की आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये है कहने का मतलब कि हमें अपने हिसाब से हमारा वेक्टर यहाँ पे रेडी करना है, कार्टून बोल लो, मैं रैंडमली कोई सी भी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आई साइज, आई साइज कैसा है जो भी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं, स्पेसिंग का ऑप्शन है या फिर जो भी, मैंने गलत पढ़ा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। जो भी ये एक ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये वाले ऑप्शन में आ जाते हैं आपका आइज कलर कैसा है, आई कलर या आइज कलर बोल रहा हूँ मैं, आई कलर जो भी है आपका ब्लैक है बेसिकली हमारा, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं इस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा जो रेडी है बिटमोजी जिसको बोलते हैं इसमें, तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर रेडी है। अब जस्ट हमें यहाँ पर सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर को कपड़े पहना सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि नहीं सही है भाई, तो मैं इसको रेंडमली यहाँ से कुछ भी पहना देता हूँ कि यहाँ से हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और पैंट कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर ली हमने तो शॉर्ट्स हैं ये, या फिर आप इस टाइप का भी कर सकते हैं यहाँ से, और अपने हिसाब से देख सकते हैं हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं। बस इतना मेरे हिसाब से सेव अवतार क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर वो रेडी हो गई है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी पहले कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही थी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, बट अब हमारी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है जैसा आप यहाँ देखेंगे। पहले ब्लैंक आ रहा था बट अब हमारी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ चुकी है, ये देख सकते हैं। अब हमारी ये प्रोफाइल पिक्चर है, तो जो स्नैपचैट में प्रोफाइल पिक्चर होती है कुछ इसी टाइप की होती है। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी सीखा कि कैसे हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट में वीडियोस को बना सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने माइक वगैरह सेटअप कर रखा है, कुछ हमारा ऐसा ही सेटअप है। स्नैपचैट में कोई वीडियो बनानी है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ढेरों फिल्टर्स मिल जाते हैं, कोई फिल्टर जिसमें आप अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फिल्टर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये फिल्टर्स अच्छा लगता है। और भी फिल्टर्स देख लेते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स हैं। तो कौन सा फिल्टर, ये वाला फिल्टर काफ़ी ज़्यादा, नहीं ये कुछ ज़्यादा, ये ज़्यादा कोई सा ज़्यादा अच्छा था। तो हम ज़्यादातर जो यहाँ पे फिल्टर्स है ना वो फीमेल्स के लिए हैं, बट हम देखते हैं कोई सा हमारे लिए फिल्टर्स मिल जाता है। तो नहीं ये फिल्टर, हाँ ये सही थोड़ा लग रहा है। तो ये फिल्टर्स यहाँ पे अब है, मान लो जैसे आपको ये फिल्टर पसंद आ गया है, अब आप इस पे वीडियो कैसे बना सकते हैं चलिए हम लोग जानते हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुकी है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपकी जो, अब यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट, अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा बहुत एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैं एडिट का प्रोसेस आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप इसको शेयर वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पे शेयर करके माय स्टोरी पे कर सकते हैं, तो ये आपकी स्टोरी में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्नैपचैट में फिल्टर्स का यूज़ करके आप अच्छे खासे फोटोज़ को कैप्चर करके स्नैपचैट में आप लोग यहाँ पे स्टोरी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको, जैसे मैंने वीडियोज़ में बता दिया था बहुत सारे फिल्टर्स हैं, कोई यहाँ से मैं एक अच्छा सा फिल्टर्स देख लेता हूँ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को फोटो सही आएगा मेरे हिसाब से। सो ये फिल्टर भी काफ़ी सही है। सो इस फिल्टर में हम लोग यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर करने वाले हैं, तो यहाँ से एक फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोटो है हमारा कैप्चर हो चुका है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं हमारा फोटो बिल्कुल कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आप लोग अपने, मतलब अपने फ्रेंड वगैरह या फिर किसी को भी मेंशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से मेंशन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए दो ऑप्शन होते हैं मेंशन करने के। पहला ऑप्शन, यहाँ पे टेक्स्ट में जाके आप @ लगाएंगे और किसी का नाम, जैसे मैं अपने आप को मेंशन करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दूंगा, एक ये ऑप्शन हो जाता है। या फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मेंशन का मिल जाता है, जैसा मैं आपको बता दूँ, एक यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी ये लोकेशन वगैरह मांग रहा है, मैं डोंट अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेंशन का ऑप्शन जैसा आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे आपको अगर किसी को मेंशन करना है जस्ट मेंशन करके यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेंशन हो चुका है, यहाँ पे अब ये देखिए मेंशन रेडी है।
तो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अगर पोस्ट करना चाहते हैं अपनी स्नैपचैट स्टोरी में तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये आइकन दिख रहा है सेंड टू पे क्लिक करना है। अब आप इसको माय स्टोरी पे आपको क्लिक करना है, आवर स्टोरी में ये बताएगा डिस्कवर ऑप्शन आ जाएगा, मतलब ये ऐड टू द मैप एंड स्टोरीज एंड डिस्कवर, ये मतलब आपका सब दूर वाला ऑप्शन हो जाएगा पब्लिक टाइप, और ये माय स्टोरी में सिर्फ आपका माय स्टोरी हो जाएगा। ओके पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे जो आपकी स्टोरी है वो डल चुकी है स्नैपचैट में सक्सेसफुली, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये देखो ये फोटो डल चुकी है हमारी स्नैपचैट में। तो इस तरीके से हम लोग स्नैपचैट में किसी को भी मेंशन करके यहाँ पे स्टोरीज को लोड कर सकते हैं या स्नैपचैट में स्टोरीज लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट में किसी भी फोटोज को एडिट कैसे कर सकते हैं। फोटो हमें यहाँ पे स्नैपचैट स्टोरी में अपलोड करना हो या फिर हम लोग डायरेक्टली इसके फीचर का यूज करके अपने फोटोज को एडिट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब जो हम फोटोज उठाएंगे वो हमारी गैलरी से उठाएंगे और हम ये भी सीखेंगे कि हमारी गैलरी से हम फोटोज कैसे लेके अपनी स्नैपचैट स्टोरी में कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पे जैसा आपको एक ऑप्शन ये वाला दिखाई दे रहा है, इस पे हमें यहां पे क्लिक करना है। ये एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो टाइप का, इस पे हमें क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो स्नैप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमें कैमरा रोल पे क्लिक करना है। अब कैमरा रोल पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी फोटो जो एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना, यहां पे क्लिक करना है और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडिट स्नैप, इस पे आपको क्लिक करना है। यहां पे हम लोग एडिट स्नैप पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला टेक्स्ट वाला है, तो यहां से आप लोग अगर कलरफुल टेक्स्ट वगैरह अपने फोटो में एड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, वो बात की बात है, हम लोग पहले यहाँ पे दूसरी चीजें सीखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले आइकन पे देखेंगे, अगर आप लोग कुछ भी फोटो में कुछ भी चीजें, जैसे अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया, बट आप ऐसा कोई सा फोटो तो होता है जिसमें आप लोगों को एरो वगैरह कुछ यहाँ पे ऐसा हाईलाइट करना होता है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट वगैरह कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर आप लोग कोई स्टिकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं अपने फोटोज में, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई सा एक सिलेक्ट कर लेते हैं, रैंडम सा कोई सा भी सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग को कोई भी टी शर्ट वगैरह पे लगाना है उसको लगा सकते हैं। उसके बाद क्रॉपिंग का ये ऑप्शन मिल जाता है, ये यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा इसके, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। यहाँ पे उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप लोग अपनी कोई भी लिंक को लगा सकते हैं, जैसे आप लोग यूट्यूब वगैरह की लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है, यहाँ पे जस्ट आपको कोई भी लिंक पेस्ट कर देनी है और यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, पेस्ट करके इसको डन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसा हमारा इंस्टा पे स्वाइप अप होता है वैसे यहाँ पे ये वर्क करता है। उसके बाद अगर आप लोग इसको क्रॉप वगैरह करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये टाइमर मिल जाता है, ये टाइम लिमिट आप क्या रखना चाहते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक एडिट कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मली एडिट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो अपने डायरेक्ट फोटो खींचे हुए फोटो में एडिट कर सकते हैं, मैंने कैमरा रोल में फोटोज इसलिए लिए ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता सकूँ कि गैलरी को कैमरा रोल बोलते हैं अपने स्नैपचैट में। अब यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए अपना फोटो रेडी कर लिया है, अब आप इसको यहाँ से स्टोरी में अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप लोग स्नैपचैट के फोटोज वीडियोज जो भी आप लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कैप्चर करते हैं, उनको अपनी मोबाइल की गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। ये काफ़ी लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं तो मैंने सोचा इसको वीडियो में इंक्लूड कर दें। देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कोई भी फिल्टर्स का यूज़ करके, मान लीजिए मुझे ये फिल्टर पसंद है या मुझे नहीं पसंद, फिर भी हम इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आप कोई भी फिल्टर से यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव वाला एक बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी गैलरी में फोटो नहीं जाएगी। जैसे मैं आपको सेव करके बता देता हूँ और सेव हम यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कैमरा रोल में हमारे फोटोज गई है कि नहीं, तो यहाँ पे ये देखिए रीसेंट स्नैप में आ जाएगी, ये मेमोरीज में आ जाएगी जो आपकी वीडियो है, ये आपकी कैमरा रोल में नहीं आई है। ये देखिए यहाँ पे आपकी गैलरी को कैमरा रोल बोलते हैं तो यहाँ पर ये फोटो आपका नहीं आया। तो आप इसको कैसे ला सकते हैं चलिए जानते हैं, उसके लिए एक सेटिंग होती है, सेटिंग कैसे करते हैं चलिए जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा, जैसा यहाँ आप देख रहे होंगे प्रोफाइल वाला आइकन, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जाना होगा, सेटिंग वाला आइकन दिख रहा होगा, हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है मेमोरीज, तो मेमोरीज देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे मेमोरीज हमें देखने को मिल जाएगा, हम लोग देखते हैं कहाँ में, हाँ तो ये रहा मेमोरीज, ये आपको हु कैन में मिलेगा मेमोरीज का ऑप्शन, सी माई लोकेशन और ये स्पेक्टिकल्स के नीचे में, मतलब सेंटर में आपको मिल जाएगा, मेमोरीज में जाना है। अब आपको सेव बटन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, तो हमें कैमरा रोल ओनली पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कैमरा रोल ओनली पे हमने क्लिक कर दिया, मतलब हमने सेटिंग सब कुछ सही कर दी है। अब यहाँ से हम लोग एक वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से हम लोग चलिए एक वीडियो ऐसे नॉर्मल सा रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसको अब हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करते हैं इसको,
तो यहाँ पे ये वीडियो सेव हो चुकी है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैमरा रोल में आ चुकी है, यानी कि हमारी गैलरी में। देखिए यहाँ स्नैप में नहीं आई है, तो ये वीडियो यहाँ पर ये आ चुकी है जो कि हमारी गैलरी में आ गई है। अब आप ऐसे ही चाहें तो फोटोज़ को भी डायरेक्टली यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। ये फोटो को हमने कैप्चर करा, अब यहाँ से सेव करा, अब ये फोटो भी हमारे गैलरी में जाएगा, यानी कि कैमरा रोल मतलब गैलरी होता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा फोटो, ये फोटो आ चुका है। तो इस तरीके से ना आप लोग अपनी स्नैपचैट की किसी भी फोटो वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्नैपचैट के और भी फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि स्टोरी वाला जी, यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन दिख रहा है स्टोरीज वाला, इस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड स्टोरीज आएंगी, ये सेलिब्रिटीज वगैरह की बेसिकली यहाँ पे स्टोरीज आती हैं ज्यादातर जो आप देखेंगे। जैसे कि यहाँ इंस्टाग्राम में ब्लू टिक होता है ना, तो यहाँ पे एक बैज होता है येल्लो कलर का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये रोहन मेहरा और रीत नरूला के यहाँ पे आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग एक बैच है इनका, मतलब ये वेरीफाइड है स्नैपचैट पे। तो स्नैपचैट का वेरिफिकेशन कुछ इस टाइप का होता है, जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये वेरीफाइड है, दिल्ली कैपिटल्स का ये ऑफिशियल अकाउंट है स्नैपचैट का, यहाँ जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पता लगा सकते हैं कि यार कौन सेलिब्रिटी है और कौन नॉन सेलिब्रिटी है, जैसे हम लोग नॉन सेलिब्रिटी होते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सेलिब्रिटी और कौन नॉन सेलिब्रिटी है, डिस्कवर में आप लोग जाएंगे और यहाँ पे आप लोग किसी को सर्च करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करते हैं, किसी को भी कर लेते हैं, अवनीत कौर का अकाउंट यहाँ पे चेक करते हैं, तो हमें यहाँ पे फॉलो या एड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब का आएगा, मतलब ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके इसमें सब्सक्राइब का आता है, फिर आप उनकी स्टोरीज वगैरह यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आप उनकी कोई स्नैपचैट की स्टोरीज देखना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिस्कवर वाला फीचर ये वाला यहाँ पे मिल जाता है, डिस्कवर में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस या जो स्टोरीज बोल सकते हैं वो देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपको सजेशन में आती है, और ये स्टोरीज में भी यहाँ डिस्कवर में आपको वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जो फॉर यू में आपके लिए होती हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इस तरीके से हम लोग स्नैपचैट पे किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मैसेज वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको चैट वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह के जो सजेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी को सर्च करना चाहते हैं जो आपको पता है कि नहीं यार इस फ्रेंड का ये यूज़र नेम है, जैसा ये मेरा पर्सनल अकाउंट है ये वाला, ये एक मेरा अकाउंट है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐड फ्रेंड करेंगे, तो ऐड फ्रेंड कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ऐड फ्रेंड कर लिया, अब ऐड फ्रेंड करने के बाद देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होगी, जब यहाँ पे मेरा जो फ्रेंड है जिसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वो वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट किस तरीके से कर सकते हैं, टेक्स्टिंग के सारे मैं आपको यहाँ पे फीचर्स बता देता हूँ। अगर आपको किसी को फोटोज़ वगैरह भेजनी है तो यहाँ से आप भेज सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करेंटली गैलरी का ऑप्शन कोई भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आप लोग गैलरी से कोई फोटोज़ नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब नहीं भेज सकते। तो अगर आपको कोई भी मैसेज भेजना है जस्ट आपको हाई लिखना है, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपके कीबोर्ड में ही दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपका मैसेज यहाँ पे जा चुका है, लेकिन सामने वाले ने अभी तक सीन नहीं करा, क्योंकि वो मेरा ही अकाउंट है और वो मेरे सेकंड फोन में लॉग इन है। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये यहाँ पे हाई लिख दिया। आप यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह भी भेज सकते हैं, आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप लोग यहाँ से अपनी गैलरी में से किसी को भी फोटोज वीडियोज भेज सकते हैं। ये वाले ऑप्शन से डायरेक्ट कैप्चर करके यहाँ पे भेज सकते हैं, और ये इस वाले ऑप्शन से आप लोग अपने गैलरी में से किसी को कुछ भेजना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्विटर का लोगो भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली भेज सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सेंड हो चुका है, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये वाला ऑप्शन जैसे गेम्स वगैरह आप लोग जैसा फेसबुक मैसेंजर चैट में मिलता है ये ऑप्शन है। अगर अब आप किसी को वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं जस्ट आपको प्रेस करके रखना है, और अगर डिलीट करना है तो जस्ट स्वाइप कर देना है, और अगर आपको भेजना कोई वॉइस मैसेज जस्ट टैप करके रखना, आपका वॉइस मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है और यहाँ से ये वॉइस मैसेज चला गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अनसेंड करना है तो यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट चैट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे कुछ और भी डिलीट करना हो तो आपको इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट करना है और इसको डिलीट चैट पर क्लिक कर देना है। ऐसे आप कोई और मैसेज भी डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, और ये दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्नैपचैट में अगर आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो दोनों साइड से यहाँ पर डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हैं और फ्रेंड वगैरह बना सकते हैं। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्नैपचैट के बहुत सारे फीचर्स को देख लिया, समझ लिया, अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि हम लोग स्नैपचैट में अपने पासवर्ड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं या अपने स्नैपचैट पासवर्ड को फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पर जाना होगा, ये प्रोफाइल वाला आइकन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमें सेटिंग का आइकन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ईमेल के बाद एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पासवर्ड,
वाला हमें इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपके करेंट पासवर्ड को इंटर करना होता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे आप लोग अपने नए पासवर्ड को इंटर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नए पासवर्ड को इंटर कर देता हूँ। अब आपको दोनों पासवर्ड जो आपके पासवर्ड हैं वो बिल्कुल सेम मैच होने चाहिए। देखिए अगर मैच नहीं होंगे तो बताएगा योर पासवर्ड डू नॉट मैच, जैसा रेड कलर में आपको यहाँ आ रहा है तो ऐसा शो करेगा। अब मैं इसको यहाँ पे सेम कर देता हूँ तो ये आ जाएगा कि हाँ आपका पासवर्ड स्ट्रांग है और सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस सेव पे क्लिक कर देना है तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पासवर्ड तो सेव कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग यहाँ पे स्नैपचैट में पासवर्ड भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फॉरगेट कैसे कर सकते हैं, आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं आपके पासवर्ड को या फिर चेंज कैसे कर सकते हैं बगैर ओल्ड पासवर्ड के। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड वाले सेक्शन में, फॉरगेट योर पासवर्ड ब्लू कलर में बिल्कुल छोटे अक्षर में है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप लोग अपने फोन नंबर के जरिए करना चाहते हैं या फिर ईमेल अकाउंट के, लोग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल ऐड है तो ईमेल का कर सकते हैं, फोन नंबर ऐड है तो फोन नंबर कर सकते हैं। हम लोगों का यहाँ पे फोन नंबर ऐड है, हम लोग फोन नंबर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे फोन नंबर आ जाएंगे, अब हमें वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। सेंड वी अ टेक्स्ट SMS के जरिए करना चाहते हैं या कॉल के जरिए, तो हम लोग टेक्स्ट के जरिए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमारे फोन नंबर पे यानी अपने मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, जो हमें यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मेरा 6 डिजिट कोड आ चुका है जो हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ 7167 23। यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर करेंगे हमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ न्यू पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। दो बार हमें सेम पासवर्ड रखना है तब जाके हम लोग यहाँ पे पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो दोनों पासवर्ड है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे हम लोगों को सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने स्नैपचैट के पासवर्ड को फॉरगेट या फिर चेंज कर सकते हैं। स्नैपचैट के हम लोगों ने सारे फीचर्स देख लिए, सेटिंग्स देख ली, लेकिन एक सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपके स्नैपचैट अकाउंट को सिक्योर करती है। उसके लिए आप लोगों को अपने स्नैपचैट अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होता है या चालू करना होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे आना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। अब सेटिंग में जाने के बाद आपको पासवर्ड के नीचे एक 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा। अगर आपने अपने स्नैपचैट अकाउंट में 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दिया है तो जब कभी भी आप या कोई और आपका स्नैपचैट अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपकी ईमेल पे 6 डिजिट यानी 6 अंक का OTP आएगा। जब तक कोई वो OTP इंटर नहीं करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है कि आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं सिक्योर। उसके लिए हमें यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे SMS वेरिफिकेशन के जरिए आप लोग करना चाहते हैं ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए, तो ऑथेंटिकेशन ऐप वाला प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो मैंने उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, आप लोग चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। बट हम लोग यहाँ पे SMS से यहाँ पे इनेबल करेंगे। SMS पे आपको क्लिक करना है, अब आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP आएगा 6 अंक का, जिससे आपने अपना यहाँ पे स्नैपचैट अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरा 6 डिजिट कोड आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे इंटर कर देते हैं 3289 87। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये रिकवरी कोड मिल जाएगा, तो आपके अकाउंट का भी एक रिकवरी कोड होगा, आपको इसको कहीं कॉपी वगैरह में लिख लेना है। तो कभी आपका अकाउंट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए लॉग इन ना हो तो आप इस सिक्योरिटी कोड के जरिए यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आप ब्रॉट डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। तो गाइज जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको लगभग स्नैपचैट के सारे फीचर्स के बारे में बता दिया, कैसे यूज करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, और भी चीजें बता दी हैं, लेकिन यहां पे सबसे लास्ट चीज हम लोग सीख लेते हैं कैसे हम लोग यहां पे स्नैपचैट अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसे लॉग आउट आप लोग कर सकते हैं अपने स्नैपचैट अकाउंट को। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहां सेटिंग का आइकन दिख रहा है, इस पे जाना है और सबसे लास्ट में चले जाना है। सबसे लास्ट में बिल्कुल यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉग आउट का, और यहां पे लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आप इन्फॉर्म सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप लोग बाद में भी लॉग इन करना चाहते हैं तो सेव इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉग आउट हो रहा है हमारा यहाँ पे स्नैपचैट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा स्नैपचैट अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेव है। अगर मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो मैं अगेन स्नैपचैट में लॉग इन हो जाऊंगा।
तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग स्नैपचैट को बिल्कुल शुरुआत से अंत तक चलाना कैसे सीख सकते हैं, तो अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी या यूज़फुल थी, तो यार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो लोग नए हैं और स्नैपचैट चलाना सीखना चाहते हैं या स्नैपचैट पर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा या फिर आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ऑल्सो वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोग फ्यूचर में इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें जो कि इसी टाइप के ट्यूटोरियल्स बेस पे ही होती है। सो मैं मिलता हूं आपसे वैसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।